भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बाजार पे ही नजरिया बताइए, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है। कई सारी चीज़ों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। फिफ्थ फेज की वोटिंग का टर्नआउट है, FII की बिकवाली थोड़ी थमती हुई नजर आई है, और ग्लोबल बाजारों में भी मेटल्स की चाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बाजार की चाल आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड आपको मॉर्निंग। भी, अभिषेक और डिम्पी को। आज तो देखिए रंगत कितनी अच्छी है, 22,800 से एक हफ्ते में 21,800 और 21,800 से वापस 22,600। तो मुझे लगता है यहाँ रेंज रहेगी, न्यू हाई अभी मुझे मेरे हिसाब से आएगा नहीं। मार्केट अच्छा है, कुछ टाइम स्पेंड करे यहाँ और कंसोलिडेशन होए। वी डोंट वॉन्ट रन अवे रैलीज और रन अवे फॉल्स। मार्केट मेच्योर है, थोड़ा डाइजेस्ट करेगी और वेट करेगी। जो बड़ा इवेंट वो है इलेक्शन के रिजल्ट्स। अब इसके ऊपर मैं टिप्पणी कर नहीं सका बिकॉज मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां तक अंडरटोन आपको जैसे कहा, चाइनास बैक इन रनिंग, यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल, आईटी स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग एंड इंडिया में डेमोग्राफिक प्रीमियम की वजह से आप देख रहे हैं होटल्स, एयर फेयर्स, एयरलाइंस, एनीथिंग टू डू विद ऑटो, ऑल आर डूइंग वेल। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच रखना है और मार्केट में जैसे मैंने कहा इंडेक्स में भी इन अ रेंज बट स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस रहेगी। यहाँ शिश्री जी आपको बोलूं, जब मैं 250 रुपए पे वेदांता 500 का टारगेट दे रहा था तो लोग मुझे ट्रोल करके कह रहे थे पागल है, और 500 रुपए आएगा, 96,000 रुपए हो गया सिल्वर, द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन सिल्वर आफ्टर हिंदुस्तान जिंक इज वेदांता। और आप उनका उदयपुर में यूनिट देखे तो अनबिलीवेबल। और मुझे लगता है वेदांता का भाव 500 रुपए इस हफ्ते में आया। दूसरी बात, आपको जो स्टील के काउंटर दिए थे सेल और नैलको, वो भी न्यू हाई इस पे चले गए, रिजल्ट अच्छे हैं। BEL मेरा टॉप पिक था 180, 190, 200 पे, वो भी रिजल्ट अच्छे हैं। सिटी यूनियन बैंक 115, 18, 20 पे कोई पूछने वाला नहीं था, आज 153 हो गया, रिजल्ट अच्छे हैं। तो आपको अपना स्टॉक्स अपना व्यू बढ़ाइए और अपने आप को इन्वेस्टिंग करिए। वोडाफोन आपको कहा है, इंडिया बुल रियल इस्टेट कहा है, ये मेरे हिसाब से डबलर्स हैं। कोई भी सरकार आए ना आए, आप उन बिजनेसेस में जाइए जहां टर्न राउंड है। और मैं आपको कह सकता हूं इस साल का श्रेय टॉप ग्रुप का होएगा, AB ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। तो वहां पे अच्छे शेयर ढूंढिए और अपना निवेश बढ़ाइए। ठीक है भसीन साहब, गुड मॉर्निंग। कुछ और शेयर्स हैं जो आज आप स्पेसिफिकली देना चाहते हैं एज अ कॉल्स? डिम्पी जी, मैं सैटरडे का सेशन छोटा था इसलिए मैंने शेयर आपको कहे थे, मैं रिपीट करूंगा। देखिए एम्बेसी ऑफिस का मैंने आपको कहा 34 मिलियन स्क्वायर फुट है, कमर्शियल रियल एस्टेट थ्रू द रूफ, और चाहे वो शेयर 5% बढ़ा उस दिन, लेकिन अभी भी 38-40 में मिले या थोड़ा सा आप लीजिए, 450 का टारगेट है आपके लिए एम्बेसी रीट पे, ऑफिस पे। दूसरा मैंने आपको कहा विप्रो, आईटी में अगर एक शेयर 700 रुपए जाएगा या यहाँ से डबल रखने की क्षमता रखता है वो विप्रो है। बाकी सब छोड़िए, आपको टॉप आईटी शेयर जो है उनमें विप्रो आर्ग्यूबली इज द मोस्ट रीजनेबल, और जहां बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द माइक्रोसॉफ्ट टाई अप्स आर टेलिंग मी के कुछ ना कुछ इसमें इस साल में जरूर आएगा जो बड़ा न्यूज होएगा। तो विप्रो में 486 का पहला टारगेट है, 445 का स्टॉप लॉस, लेकिन 550-550 आ जाए मई के महीने में कोई बड़ी बात नहीं। एंड लास्ट मैंने आपको पहले भी कहा मैं AB ग्रुप पे बहुत पॉजिटिव हूँ आपके लिए, AB, FRL, हिंडालको, अल्ट्राटेक मैंने सब दिए हैं। आज का पिक अगेन AB कैपिटल, उसकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इट्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ द AIF, ऑफ द AMC, ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस, अनबिलीवेबल बिजनेस, और वैल्यूएशन अब इसको न्यू स्ट्रेच पे ले जा रहे हैं। 265 का पहला टारगेट है, 290 का दूसरा, और 215 का स्टॉप लॉस। ये शेयर भसीन साहब की तरफ से, और अंशुल को आज खुश होना चाहिए, AB कैपिटल उनके लिस्ट में भी है और भसीन साहब ने भी इसको रेकमेंड किया है। चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट जहां पर हम नतीजों की चर्चा करेंगे और हर एक शेयर पर अलग अलग हम व्यू भी लेंगे भसीन साहब से, रिजल्ट एक्सपर्ट में। भसीन साहब, शुरुआत करेंगे ONGC से, अनुमान से बेहतर नतीजे ONGC ने पेश किए हैं, मार्जिन इम्प्रूव किया है 1% के आसपास का। ONGC जिसके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिसके पास नहीं है वो तो आज ही खरीद ले और फिर मत कहना कि 350 का भाव हो गया और हम देखते रह गए।
अगर कोई शेयर पीएसयू में री रेट होने वाला है ऑन दी अपसाइड, वो ओएनजीसी है। आर्ग्यूबली सबसे बढ़िया एनर्जी प्ले है और आज के डेट में सबसे चीपेस्ट एनर्जी स्टॉक इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड। मेरे हिसाब से ओएनजीसी का भाव 450-400 होना चाहिए। आप अपना डिलीजेंस कीजिए, लेकिन अगर आपको एक अच्छा लार्ज कैप हैवीवेट स्टॉक चाहिए तो ओएनजीसी है। नंबर्स बहुत शानदार हैं और आगे भी बढ़िया होंगे। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में वन ऑफ था, इसलिए नंबर सुपरलेटिव लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है अनबिलीवेबल प्ले ऑन ऑल सेक्टर्स रिगार्डिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। और जो उसका बिजनेस मॉडल है इतना आउट परफॉर्म करेगा कि आप देखते हैं। तो मेरे को 350 का टारगेट दिखता है ओएनजीसी में। आप इसमें एक सिप कीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज देन यू विल गेट बोथ द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट एंड ऑफ द स्टॉक। ठीक है, ओएनजीसी को खरीदने की सलाह। वैसे भी अगर हम इस साल की बात करें तो 35-36% ये शेयर चल चुका है। 350 का टारगेट भसीन साहब के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आज ही खरीद लें, ये आपके लिए राय। अगला शेयर वर्लपूल, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मार्जिन में 2% का इम्प्रूवमेंट है और अगर हम मुनाफे की बात करें तो 23% का उछाल है, रेवेन्यू में भी 4% के आसपास की बढ़त है। वर्लपूल भसीन साहब, इस पर आपकी रिकमेंडेशन? नहीं, शेयर तो अच्छा है, लेकिन कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट ने ही माल अपना बेचा था, विच लेफ्ट अ सार टेस्ट इन द शेयर होल्डर्स व्यू। मैं अभी भी सोचता हूँ इन द वाइट गुड्स कंपोनेंट, मुझे ब्लू स्टार हैवल्स और सीजी कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर बेटर प्रोस्पेक्ट है। इसके रिजल्ट अच्छे हैं और अनडाउटेडली कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मैनेजमेंट की नीति रही है वो थोड़ी सी मुझे अपसेटिंग रही है, बिकॉज वो शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं रहे। तो इट इज बेटर टू बी इन नेम्स लाइक सीजी कंज्यूमर, वोल्टास, हैवल्स। सीजी कंज्यूमर, वोल्टास और हैवल्स, इस पर आप भरोसा कीजिए। अगला काउंटर है सेल का, नंबर थोड़े वीक आए हैं, हालांकि अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो अद्भुत प्रदर्शन रहा है, साल भर में ही ये शेयर डबल हो गया है सरकारी कंपनी होने के बावजूद। मार्जिन इंप्रूव किया है सेल ने 9.25 से 12.5 का परसेंट का। नंबर्स वैसे ओवरऑल कमजोर हैं, लेकिन सेल पर आपकी क्या राय है वसीम साहब? नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने आपको अभिषेक जी 115-120 पे कहा था सेल इज द न्यू गेल, और वही हो गया है। सेल गेल के भाव पे चले गया और गेल तो आसमान छू रहा है। अभी भी आप लेके चलिए पीएसयू स्टॉक लाइक सेल, जो आर्ग्यूबली आज की डेट में सबसे बड़े लैंड बैंक पे बैठता है और जिसकी एक्सपोर्ट मार्केट बहुत स्ट्रांग है। साथ में आयरन ओर प्राइसेस घट गई, कोल प्राइस बैठ गई, तो इसके मार्जिन और इम्प्रूव होंगे। कभी नहीं सेल ने 12.5% का डबल डिजिट मार्जिन दिया, तो आई थिंक कोई भी डिक्लाइन मिले लीजिए। हाँ, स्टॉक का रनअप काफी रहा है, हमारा डिस्क्लोजर है, हमारा ये सेल इज वन ऑफ आवर टॉप स्टील काउंटर होल्डिंग, लेकिन हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है। ये शेयर अभी भी स्पेसिस जाएगा, तो मुझे कोई दो राय नहीं कि इस साल में 200 का टारगेट भी आप सेल पे देख लें तो मुझे अचंभा नहीं होगा। 200 का टारगेट सेल के लिए आ सकता है। अगले दो शेयर भसीन साहब एक साथ में पूछ रहा हूं, एक तो इंडिया सीमेंट का, नंबर्स थोड़े से कमजोर आए हैं, मार्जिन भी इसका डिप किया है, और दूसरा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसके भी नंबर कमजोर दिख रहे हैं, मुनाफे पर प्रेशर है और हालांकि मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव जरूर किया है। इंडिया सीमेंट और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक साथ दोनों पर आ दीजिए सर। इंडिया सीमेंट में आप अगर चाहें तो निकल सकते हैं और गो इनटू अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक और एसीसी अंबुजा मेरे दोनों टॉप लार्ज कैप पिक्स है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सबसे बढ़िया है, क्योंकि अल्ट्राटेक जैसा प्ले नहीं, 140 मिलियन टन की कैपेसिटी है। कन्वर्ट इंडिया सीमेंट इनटू अल्ट्राटेक। दूसरा आपने त्रिवेणी इंजीनियरिंग का है, देखिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग के दो बिजनेस है, एक ये और एक शुगर का। शुगर का बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है और इंजीनियरिंग में भी दे हैव बीन मार्केट लीडर्स। स्टॉक का भाव काफी बढ़ चुका है, लेकिन कैपेक्स में अभी भी ये बहुत बढ़िया प्ले है। मैं को अभी भी लगता है दैट दिस इज वन ऑफ द यू नो वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज, जो ये दोनों ये त्रिवेणी के ग्रुप कंपनीज है, और आपको डिक्लाइन पे लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा प्रेफर्ड पिक होगा लार्सन एंड टूब्रो। ये करेक्शन जो लार्सन के रिजल्ट में आया है वो एलएनटी में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। त्रिवेणी से निकल जाइए, एलएनटी उसमें आप चले जाइए, और इंडिया सीमेंट से निकल के अल्ट्राटेक वो पसंद है भसीन साहब को। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। है भसीन जी को जोड़ने का, आइए उनसे समझेंगे भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स।
भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीनाउ स्वदेश पे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो एक बार मैं आपसे कोफोर्ज के बारे में ही राय जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया और कई समय से जो है आप इसके बारे में हाईलाइट भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि आपका व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। इस अनाउंसमेंट के बाद क्या भरोसे में थोड़ी और जान आई है और कोई नया नज़रिया जो कि आप इस पर शेयर कर पाए, और साथ ही मार्केट्स पर भी एक बार आउटलुक दीजिए अगर कोई फ्रेश आउटलुक है तो। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। बिल्कुल, कोफोर्स पे बहुत पॉजिटिव हूँ। देखिए, जो उन्होंने रिसेंट एक्विजिशन किया सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, इट गिव्स देम दी ओपननेस इन जो मिड वेस्ट और नॉर्थ है वहां पे। सेकेंडली, इनका जो AI में रीअश्योरेंस और अश्योरेंस में बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग होगा। सो मेरे को लगता है कि दिस विल बी ये एक गेम चेंजर है इनके लिए। साथ में जो स्टॉक में डाइल्यूशन की वजह से प्रेशर आया था वो सब अब आई थिंक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दी AI, द QIP विल बी ओवर सब्सक्राइब, और मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें कोई प्रमोटर का 2% स्टेक से ज्यादा नहीं। तो दिस इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बीइंग अ लॉन्ग टर्म यू नो टेक ओवर टारगेट। 52-5300 का भाव मुझे इसमें दिखता है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। और भी आपको याद दिला दूं, 250 वाला मेरा टॉपिक वेदांता कल 500 हो गया, लोगों को अचंबा होगा लेकिन किसी को मानने को नहीं होता। ये होती है मेटल की रैली। आज के लिए आपके लिए पिक्स है, और सबसे बड़ी पिक जो मैं कहने वाला हूं वो लोगों के लिए पैसा दुगना कर देगी। ठीक है सर, वही शेयर तो आपसे पूछना चाहते हैं, कौन से ऐसे शेयर है सर जरा बताइए। डिम्पी जी, इंडिया बुल रियल इस्टेट, देखिए कल उसमें डेवलपमेंट हुई। जो पैसा आना था, जिनको वारंट्स इश्यू और इक्विटी इश्यू किया था 4,000 करोड़ का, वो पैसा का अप्रूवल आ गया सेबी से। आज 1,100 करोड़ रुपया डायरेक्ट आ जाएगा और वारंट्स भी इश्यू हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी के लिए अब कंपनी में एक नई जान आई है। दूसरा, एम्बेसी का स्टेक अब ब्लैकस्टोन के साथ ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हो जाएगा, और एम्बेसी इज अ वन कंपनी जो यहाँ पे अब फ्लैगशिप कंपनी हो जाएगी। एम्बेसी के सारे प्रोजेक्ट्स अब IBRE से होगी, और IBRE भी नहीं, इक्विनॉक्स इसका नया नाम है। तीसरा, आपको शायद पता होए कि इंडिया बुल रियल एस्टेट ने 2.3 करोड़ स्क्वायर फीट डिलीवर करे हैं कमर्शियली, इवन मोर देन DLF, और उसमें जो क्षमता है वो आज की डेट में 2008 के प्रॉपर्टी के भाव की है। तो आप सोच सकते हैं, एम्बेसी आई थिंक आर्ग्यूबली इंडिया में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, और उसकी क्षमता 1,00,000 करोड़ के ऑर्डर कंप्लीट करने की है। तो इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है और कोई नहीं होगी, इट विल बी इक्विनॉक्स और इंडिया बुल रियल एस्टेट। 250 का टारगेट है, और आपको आज की डेट में रिस्क रिवॉर्ड कहीं फेवरेबल नहीं है। ना आप वेदांता में 500 में कमा सकते हो, ना आप स्टेट बैंक में कमा सकते हो 850 में, लेकिन इंडिया बुल 125 वाला 250 जरूर होएगा। ठीक है बसीन साहब, कोई और शेयर जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहला दाव तो अभी देखिए, डोंट, ये तो मैं आपको कॉल दू ना दू, आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट में पैसा दुगना हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि जहां पैसा मेरा दुगना हो रहा है मुझे वहां पैसा लगाना है। लेकिन साइड काउंटर में मुझे बैंक्स पसंद है, इंडसइंड में वारंट्स जो है उनको अप्रूवल मिल गई है फॉर द प्रमोटर्स इंतजाज टू अप देयर स्टेक 1400 रुपए में, इट्स एट एन अनबिलीवेबल प्राइस। 1500 का टारगेट है, 1370 का स्टॉप लॉस। और तीसरा, RBL जो मैं बहुत बुलिश हूं, 249.50 में लीजिए, 243 का स्टॉप लॉस, 270-275 का टारगेट। लेकिन मेरा टॉप पिक आज एक ही है, इंडिया बुल रियल इस्टेट, इंडिया बुल रियल इस्टेट या इक्विनॉक्स जो उसका नया नाम है। 250 का टारगेट इसी साल दिखा देंगे आपको। ठीक है, ये भसीन साहब के स्टॉक्स हो गए। अब चलिए यहां से शुरू करेंगे आपके लिए खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट का। वसीन साहब, BHEL से शुरू करेंगे, और मुझे थोड़ा सा ना इसको नतीजे जो आए हैं उसके बाद जो कमेंट्री आई है उसको देखिए कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए, शेयर चला बहुत तेज रफ्तार से है, नतीजे थोड़े कमजोर आए हैं, कमेंट्री बहुत शानदार आई है। ऑर्डर बुक की बात करें तो एक डेकेड के हाई पर ऑर्डर बुक है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें नुआमा 400 रुपये के टारगेट दे रहा है, तो बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। ये नतीजों को देखें, कमेंट्री को देखें, रिपोर्ट को देखें, किसको देखें? आपकी नज़र में BHEL करना क्या है जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है वो क्या करे?
बड़ी मुश्किल बात है। 135 रुपए का भाव, 125 रुपए का भाव था अक्टूबर में मेरे जन्मदिन के पास, और मैंने तब बाय डाला था कि पावर के जो ट्रांसफार्मर है, जिस तरह से पावर में डिमांड और एक यू नो कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है जिससे पावर इज अ यूनिवर्सल, इंडिया में सबसे बड़ा प्ले, तो BHEL वाज अ नो ब्रेनर। अब वो यू नो आपको ये भूलना पड़ेगा कि कोविड में 25-40 रुपए था, आपको आज की वैल्यूएशन देखनी है, 1500 का भाव भी एक टाइम होता था BHEL, और वो इसलिए लूज इट साइड बिकॉज ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स एंड सो ऑन। मेरे हिसाब से BHEL इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो, लेकिन 320 पे काफी रन अप हो चुका है, इसमें करेक्शन अनिवार्य है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है और अर्निंग्स पे आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये बेहेमोथ है, ये छोटी कंपनी नहीं है। लेकिन अभिषेक जी देखिए, पावर एंड पावर ट्रांसफॉर्मर, ईवी चार्जिंग, इन सब में BHEL का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो अगर आपका एक साल का नजरिया है तो आप इसको थोड़ा सा चेस कर सकते हैं, नहीं है तो बेटर नेम्स आपको दे दिए, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है कि इमीडिएटली ये आपको रन अप देगा। टेक्निकली ट्रेडिंग प्ले हो सकता है, मैं अभी यहाँ कोई ज्यादा ना बुलिश ना बेरिश, मैं साइडवेज रहूंगा जब तक एक्चुअल डिलीवरेंस नहीं आएगी, और जब मुझे सामने ही इंडिया बुल रियल इस्टेट दिख रहा है तो मुझे क्या जरूरत है, जहां मेरा पैसा दुगना होना है और मुझे सेफ्टी भी है और डिस्क्लोजर्स भी है, तो मेरे को क्या जरूरत है दूसरे शेयर देखने की। परफेक्ट है BHEL को लेकर ये व्यू। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे होंगे, ग्रीनिल्स में एक ब्लॉक डील हुई है करीब करीब 62 लाख शेयरों की, 1.88% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है, तो इस पर आप नज़र शेयर पर जरूर रखिएगा, 409 रुपये का भाव है ग्रीनिल्स का। दूसरा शेयर भसीन साहब जो आपसे हम जानना चाहेंगे वो है PI इंडस्ट्रीज़ का, नतीजे इसके कमज़ोर आए हैं, कामकाजी मुनाफे की बात करें, एबिडा की बात करें तो 20% का वहाँ पर हिट है और मार्जिन भी प्रभावित हुआ है, हर पैरामीटर पर नतीजे कमजोरी दिख रहे हैं, PI इंडस्ट्रीज इस पर आपका क्या व्यू है सर? नहीं, मेरे हिसाब से ये अक्यूमुलेट है। देखिए फार्मा के बिजनेस की वजह से इसके मार्जिन कम का है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और मुझे कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से ये एग्रोकेमिकल में बिजनेस है, बाकी बिजनेसेस है, ये कंपनी अब बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है। मैंने पहले भी कहा अगर कॉन्ट्रेरियन होना है तो स्पेशलिटी एंड एग्रोकेमिकल स्टॉक्स आर अ मस्ट हैव, SRF, नवीन, आरती, PI इंडस्ट्री, इनकी बास्केट बनाई है। मेरे लिए PI इंडस्ट्री कोई भी डिक्लाइन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सिप कीजिए, ये शेयर आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा इन दिस ईयर। SIP करनी है आपको, स्टॉक में अच्छा रिटर्न आपको देगा। अगला शेयर, नतीजे अच्छे हैं डॉलर इंडस्ट्रीज के, रेवेन्यू में 23% का उछाल है, मुनाफे की बात करें मल्टी फोल्ड बड़ा है, हालांकि छोटा बेस था उसके चलते आपको ये दिख रहा होगा, 33 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया है और मार्जिन भी बेहद शानदार। बस ये सब नतीजे तो अच्छे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक थोड़ा महंगा हो गया है? हाँ बिल्कुल, और मार्जिन भी बहुत अच्छे आए हैं, नतीजे भी अच्छे आए हैं, और उसमें यह फर्क पड़ा है कि कॉटन प्राइसेस हैव फॉलन तो उनके मार्जिन एक्सपेंड किए हैं। देखिए आपको पता है कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रीमियम है वहां मिडिल इनकम और लोअर इनकम से स्ट्राटा बदल रहा है और वो प्रेफर्ड चॉइसेस ब्रांडिंग में जा रहे हैं, इसका बड़ा एडवांटेज डॉलर का है, तो मैं अभी इसमें होल्ड की रेटिंग दूंगा। के आपके लिए होल्ड की सलाह है डॉलर इंडस्ट्रीज में। अगला जो शेयर है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का, इसके नतीजे भी कमजोर दिख रहे हैं, रेवेन्यू में 5% गिरावट है, प्रॉफिट में 15% के आसपास की, और अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में करीब करीब 2.5-3% के आसपास की कमजोरी है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स इसके बारे में आपका क्या व्यू है सर? देखिए इसकी इक्विटी छोटी है और ये स्टॉक का जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रैक करना मुश्किल है, एक आध क्वार्टर और वीक हो सकता है, मैं यहाँ रिड्यूस की रेटिंग दूंगा। लेकिन जैसे आपको कहा, जहां मुझे विजिबिलिटी ज्यादा है, रियल इस्टेट में प्राइसेस भी पीक अच्छे चल रहे हैं, आपके एसेट्स में भी आपकी रिकवरी है, तो आई वुड से गेट इनटू गुड रियल इस्टेट नेम। जैसे मैंने आपको कहा इंडिया गुड रियल इस्टेट इज वन स्टॉक जहां मैं आई कैन पुट माय यू नो थंब द टेबल एंड से कि आपको बहुत अच्छा पैसा बनाएगा। ठीक ठीक है, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट कई बार जिक्र में आ गया, वसीन साहब इस पर सुपर बुलिश हैं। चलिए एक आखिरी शेयर जिस पर आपसे व्यू चाहेंगे वसीन साहब, वह है मेट्रोपोलिस हेल्थ का, कल हमने ठीक ठाक रफ्तार शेयर में देखी है, नतीजे इसके आए हैं इनलाइन, 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा है मेट्रोपोलिस, क्या आपको लगता है कि आगे भी दम दिखाएगा, जिसके पास है वो इसमें बने रहे?
हाँ, ये ऐसा बिजनेस है, आपने देखा अपोलो हॉस्पिटल का शेयर रुकता नहीं है, और उस कारण से हेल्थ केयर और हेल्थ बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और वो लगता है मुझे एक 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 क्योंकि देखिए इंश्योरेंस हैज कॉट ऑन बहुत रैपिडली, और इस कारण से ये कंपनियां, ये जो बिजनेस है ये बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं देती। और मेरे को लगता है कि एक 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 यू नो पीक पे पहुंच गया है, थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए क्योंकि आप चेस कर रहे हो वैल्यू, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड आपको ग्रोथ के स्टॉक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जहां पे आई एम सॉरी ग्रोथ को चेस कर रहे हो, वैल्यूएशन वैल्यू स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव मिल रहे हैं वहां पे, जैसे मैंने आपको कहा इंडिया बुल रियल एस्टेट, हिंदुस्तान लीवर, ये क्योंकि रूरल इनकम बढ़ेंगी तो वो बढ़ेंगे, मैरिको वो बहुत अट्रैक्टिव है, साथ में आपको मेटल के काउंटर्स देखिए कैसे हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिए एंड गेट इनटू बिगर बेटर नेम्स जहाँ विजिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे वो अहम नतीजे जिस पर लोगों को राय चाहिए थी अब वो सारे के सारे हमने कवर कर भी लिए हैं। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और अपने शेयर बताने के साथ साथ रिजल्ट एक्सपर्ट में भी अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।